हाँ जी, क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। तो यार आज जापान में ना नेशनल हॉलीडे है और इनका कोई फेस्टिवल वगैरह भी है, वो मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। और आज के दिन ना पूरे फुकुओका में, और जो फुकुओका का रेड लाइट एरिया है पूरे, मतलब कि फुकुओका में ना ये बढ़िया बैंड बाजा से और हर जगह डीजे वगैरह बजाते रहते हैं, काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं। तो हम भी चलते हैं वहाँ पे, कैसा ये लोग इन्जॉय करते हैं हम भी देखते हैं, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आज दोबारा से आपको जापान का फुकुओका का रेड लाइट एरिया की सैर कराता हूँ। यार पहली वाली जो वीडियो डाली थी ना मैंने, उसमें इतना ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आ गए तो मुझे लगा कि दोबारा से बना देते आप लोगों के लिए। पर यार दूसरी वीडियो इतनी मेहनत से बनाता हूँ यार, उसमें आप लोगों को प्यार नहीं दिखाते यार, पता नहीं क्यों। बट एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा देखना चाहते हो वैसा दिखाएंगे और कभी कभी इंटरटेनमेंट कराता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं और मज़े लो, इन्जॉय करो। देखो इस तरह दारू पी के फिर घूमती हैं, बागती डोलती हैं, ये पूरी ड्रंक हो रही है। देखो इस तरह ड्रंक होके घूमती हैं, पूरी टल हो गई है, वैसे पता ही नहीं कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। कंडक्टर बनेगी अब, उतर भी आई है तो ड्राइवर को परेशान करके। ये देखो ये हकाता स्टेशन है, वहाँ यहाँ पे वैसे भी हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन आज सैटरडे की वजह से इनका फेस्टिवल भी है तो यहाँ पे और ज़्यादा भीड़ है। और ये एक कनाल सिटी है, इसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है एक, और यहाँ पे भी देखो डीजे वगैरह बजा रहे हैं, बढ़िया आराम से पार्टी कर रहे हैं। पर ये अंदर जाने नहीं दे रहे यार, पता नहीं क्या इनका टिकट वगैरह का पंगा है, क्या टिकट लेनी पड़ती है। और ये बाहर जो नियर बाई है वहाँ पर खड़े नहीं होने दे रहे हैं। तो देखो एक कनाल सिटी के बाहर भी यहाँ पे एक जगह ये बजा रहे हैं, और ये रेड लाइट एरिया के पास में ही है। और यहाँ पे वाइन वगैरह दारू वगैरह पीने के लिए ना आज सब कुछ शायद फ्री मिल रहा है, क्योंकि बहुत सी कंपनियाँ होती हैं ना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो वो फ्री में पिलाते हैं ऐसे अगर जो कोई फेस्टिवल वगैरह आता है। सारे झूम झूम के मज़े ले रहे हैं यार, अच्छा म्यूजिक अच्छा बजा रहे हैं वैसे। फ्री की दारू मिल रही पीने के लिए आज। देखो ये पूरा रेड लाइट एरिया है और इसी के सामने मेला लगा हुआ है। और ये देखो ये दुकानें हैं, और पता नहीं यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा लड़कियाँ क्यों काम करती हैं, लेकिन कुछ लोग तो अपनी मतलब कि मजबूरी से करते हैं, कुछ लोग या फिर कोई ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं इसलिए करती हैं। बट ठीक है, जिसको जो जॉब पसंद है जो काम पसंद है वही करना चाहता है और वही करना चाहिए। पर ये भी तो है ना, अगर ऐसी दुकानें नहीं होंगी तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे देखो रेट वगैरह सब कुछ बाहर ही लगा रखा है, 13 मिनट का 15 मिनट। और ये देखो ये सारी दुकानें हैं यहाँ पे, वही पहले भी बताया था मैंने आपको कि ये बाहर फ़ोटोज़ वगैरह दिखाते हैं आपको, अंदर लड़कियाँ वगैरह होती हैं। और देखो ये यहाँ पे ये क्लब साइड है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसाज पार्लर वगैरह भी होते हैं। आज तो भीड़ ही बहुत है यार, हर जगह नक्शो जाज नक्शो जाज पार्टी हो रही है। और ये देखो
ये यहाँ पे जो बाहर लड़कियाँ खड़ी होती हैं ना, ये सिर्फ सर्विस के लिए होती हैं, आपके वेलकम के लिए। जो अंदर वो लड़कियाँ होती हैं जो अपना जॉब करती हैं, काम करती हैं, आप जॉब ही कह सकते हैं यार, अपना अपना जॉब ही होता है सबका, तो वो अंदर होती हैं। ये जो बाहर होती है सिर्फ वेलकम के लिए होती हैं। और ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खड़ी हैं, ये सज धस के खड़ी हैं अपना, और काफ़ी ज़्यादा यार वैसे ब्यूटीफुल हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग जो वो होते हैं ना किन्नर, वो भी यहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं। और देखो ताऊ ज़बरदस्ती क्यों लेके जा रहा है, प्यार से लेके जा, ज़बरदस्ती घसीट के लिए जा रहा है यार। देखो अंदर खड़ी है, अंदर से झांक रही बढ़िया। और ये देखो कुछ लोग होती हैं जो ना कभी कभी कैमरा देख के फेस अपना छुपा लेती हैं। ये देखो 1500 का बोर्ड लेके खड़ी हैं। ये देखो ये पी लिया है आराम से तगड़ी, और ड्रंक भी हो चुकी है, पार्टी भी कर रहे हैं, शॉप भी है इनकी। और यहाँ पे यार नॉर्मली होता है, मतलब हर जगह ना, कि जो लोग मतलब कि घर भी होते काफ़ी लोगों के, तो वो लोग मतलब अपना आते जाते भी रहते हैं, उनको कोई फ़र्क या कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता यहाँ पे। अब धीरे धीरे पार्टी ख़त्म हो रही है क्योंकि थोड़ा टाइम होता है इनका भी। ये ना जो मैडम खड़ी हुई है मुझे बुला रही थी मसाज के लिए, कहती मसाज पार्लर है मेरा। मैं क्या, कोई बात नहीं, आऊँगा किसी दिन। ये खड़ी हैं, अभी यहाँ पे कुछ जगह पे अपने इनका टाइम ज़्यादा टाइम तक है। देखो लव कलेक्शन, देखो ये सारी बाहर जो खड़ी हैं, ये देखो ये लड़का भी खड़ा हुआ साथ में। जब यहाँ पे ज़्यादा नाइट हो जाती है ना, तो उसके बाद में लड़कियाँ जब काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होके घूमने लगती हैं, पर लड़के वगैरह फिर कम दिखते हैं। यहाँ पे देखो टी शर्ट वगैरह भी मिलती हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। यहाँ पे ना पुलिस भी सिक्योरिटी पे लगी हुई है, और हमेशा लगे रहते हैं वैसे तो, ये सस्ती लोग होते हैं यार पुलिस वगैरह यहाँ पे। ये देखो ये फेस छुपा रही है अपना, ये वो देखो ये भी बोर्ड लेके घूम रही है। देखो ये सारे 1000 कोई 1500 का बोर्ड लेके घूम रहे हैं बाहर। ये देखो ये भाई जा रहा है अपना अंदर ढूंढने, मैप में ढूंढ रहा था ये कि कौन सी जगह जाना है मुझे, पर मिल गई इसे फिलहाल। ये देखो पुलिस वाला मेहनत कर रहा है, ये इधर बोर्ड ले खड़ी हैं। देखो इनको सब लोग मजे ले रहे हैं अपनी लाइफ के, लेने भी चाहिए यार। ये देखो लाइन से खड़े हैं बल्क में। एयर होस्टेस जैसे लगता है यार, कोई कोई तो जैसे एयर होस्टेस हो। ये देखो आंटी को मजे ले रही है। पंद्रह सौ का बोर्ड लेके खड़ी है, पता नहीं क्या है। ये देखो ये एयर होस्टेस जैसे नहीं लगती। देखो इनको सब खड़े, ये ड्रंक हो गई है दारू पी के, इनको देख लो। ये देखो 1000। हाँ जी कैसा लगा वीडियो, फिर मजा आया? मजा ना आया हो तो पैसा वापस बता देना, सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो जिन्हें भी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जो भी चैनल पर न्यू है चैनल सब्सक्राइब करना। इसी तरह कभी कभी इंटरटेनमेंट कराता रहूँगा, तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा, टेक केयर।
Yeah.